हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं जी सब? ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो आज का वीडियो क्या है भाई साहब? टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स इन इंडिया, इंडिया मोस्ट लग्जूरियस होटल्स। ओके, कौन कौन से हो गए? नंबर वन पे कौन सा होगा? होटल ताज मे बी नाम तो है, होटल ताज का बड़ा नाम मुंबई। और कौन से होंगे? हैदराबाद में भी है, कोलकाता में भी होंगे। चलो देखते हैं ये कौन से हैं भाई। बिल्कुल ताज होटल के ज्यादा नाम सुने हैं। एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अपने स्टे के लिए सबसे पहले एक अच्छा होटल ही सर्च करते हैं। ऑन एवरेज एक 3 या 4 स्टार होटल का एक दिन का रूम का रेंट 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक होता है। लेकिन अगर हम बात करें हाई एंड होटल्स की, एक्सपेंसिव लग्जूरियस होटल्स की, तो इनका एक दिन का रेंट भी आपकी जेब पे काफ़ी भारी पड़ सकता है। इंडिया में काफ़ी सारे लग्जूरियस हेरिटेज होटल और रॉयल पैलेसेस हैं जिन्हें इंडिया के बड़े बड़े होटल ग्रुप्स द्वारा मैनेज किया जाता है। इन होटल्स में आपको काफ़ी सारी हाई एंड फैसिलिटीज़ और बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि इन्हें इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव होटल्स बनाते हैं। आज के वीडियो में हम इंडिया के इन्हीं 10 सबसे एक्सपेंसिव होटल्स के बारे में बात करेंगे, जहां आप अपने स्टे का हर एक मिनट इस लग्जरी को फील कर सकते हैं। नंबर 10, द लीला पैलेस उदयपुर। उदयपुर की सबसे फेमस झील लेक पिचोला में स्थित द लीला पैलेस एक हेरिटेज होटल है, जहां से आपको लेक पिचोला, अरावली हिल्स और उदयपुर के सिटी पैलेस का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। ये होटल ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल आर्किटेक्चर से बना है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा रॉयल फील देता है। इस होटल में 8 आइकॉनिक सुइट्स और 72 हेरिटेज रूम्स हैं, और हर रूम अपने अलग ट्रेडिशनल इंडियन टच के साथ आता है। इन रूम के इंटीरियर्स और लोकल आर्टवर्क काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और इसके अलावा आपको यहाँ काफ़ी सारी लग्जूरियस फैसिलिटीज जैसे कि स्पा ट्रीटमेंट, बिजनेस सेंटर, फिटनेस सेंटर, जकूजी और एक बहुत ही बड़ा आउटडोर पूल भी मिलता है, जहाँ आप पीसफुली रिलैक्स कर सकते हैं। इस होटल का एक दिन का रूम का रेंट 17,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक जाता है, और सीजन्स के टाइम पर ये रेंट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। नंबर 9, ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद। हैदराबाद में एक हिल टॉप पे 32 एकड़ में फैला ताज फलकनुमा पैलेस एक बहुत ही लग्जूरियस होटल है। ये पैलेस एक टाइम पे यहाँ की पैगा फैमिली का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था। उस समय के हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर सर विकर उल उमरा जब अपनी यूरोप की ट्रिप से वापस आए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हैदराबाद में ही अपनी फैमिली के लिए यूरोपियन स्टाइल रेजिडेंस बनाया जाए, और 1884 में उन्होंने इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। 2010 में ताज होटल ने इस पैलेस को रिस्टोर किया और इसे रेनोवेट करके एक 5-स्टार लग्जूरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया। इस पैलेस का आर्किटेक्चर इंडियन और कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है। इस होटल में 6 बड़े डाइनिंग हॉल्स हैं, जिनकी इंटीरियर्स और ओवरऑल वाइब गेस्ट को एकदम यूरोपियन फील देते हैं। इस होटल में 60 एलिगेंट रूम्स और सुइट्स हैं, जिनके इंटीरियर्स फाइन वुडन फर्नीचर, हैंड पेंटेड मोटिव्स और ओक वुड फ्लोरिंग के साथ आते हैं, और यहाँ आकर आपको प्योरली एक हैदराबादी नवाब जैसी फील आएगी। इस होटल के एक दिन का रूम का रेंट 24,000 से लेकर 4,00,000 रुपए तक जाता है, और ये भी सीजन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है। नंबर 8, द ओबेरॉय राजविलास जयपुर। राजस्थान के कैपिटल पिंक सिटी जयपुर में 32 एकड़ में फैला द ओबेरॉय राजविलास एक बहुत ही सुंदर हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इस हेरिटेज प्रॉपर्टी में एक 280 साल पुराना भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी है, जिसे बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। ये होटल टिपिकल राजस्थानी फोर्ट की तरह दिखता है, और यहाँ की वॉल्स पर डेकोरेटेड एंशियंट आर्मर्स इसे काफ़ी हेरिटेज फील देते हैं। ये होटल सबसे ज़्यादा अपने डाइनिंग ऑप्शंस के लिए फेमस है। यहाँ के राजमहल की एक्जॉटिक इंडियन डेलिकेसीज, सूर्य महल की इंटरनेशनल क्विजींस और रजवाड़ा लाइब्रेरी बार की एक्सपोर्टेड लिक्वर और वाइन्स काफ़ी स्पेशल है। इस होटल में 71 एक्जॉटिक रूम्स, टेंट्स और विलाज हैं, जिनका डिज़ाइन काफ़ी बारीकी और अटेंशन के साथ बनाया गया है। यहाँ के लग्जरी और कोहिनूर विलाज एक प्राइवेट पूल और काफ़ी सारी लग्जरीज फैसिलिटीज़ के साथ आते हैं, जो कि इस रिजॉर्ट का सबसे बेस्ट अकोमोडेशन है। ओबेरॉय राजविलास के एक दिन के रूम का रेंट 25,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक जाता है। नंबर 7, द ओबेरॉय अमरविलास आगरा। इंडिया के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक, ताजमहल से सिर्फ 600 मीटर दूर, ओबेरॉय अमरविलास इंडिया के सबसे फाइनेस्ट होटल्स में से एक है। ये होटल क्लासिक मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर से बना है, जो कि इसे एक बहुत ही बोल्ड और लग्जूरियस लुक देता है। इस होटल की बेस्ट बात यह है कि सन 2000 में बनने के बाद से लेकर आज तक यहाँ कोई भी रेनोवेशन नहीं हुआ है, और इसी वजह से इस होटल की टाइमलेस ब्यूटी आज भी बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड है। इस होटल में एक बहुत ही बड़ा मल्टी टीयर्ड पूल कॉम्प्लेक्स, मल्टी क्विजिन डाइनिंग स्पेस, स्पा ट्रीटमेंट्स, फिटनेस सेंटर और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस होटल के रूम्स भी मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हैं, और यहाँ हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं।
यहाँ के प्रीमियर रूम्स और डीलक्स सुइट्स में जॉइंट बालकनी भी है, जहाँ से बैकग्राउंड में ताजमहल के अमेजिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। ओबेरॉय अमर विलास के लग्जरियस होटल का एक दिन का रूम का रेंट 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जाता है। नंबर 6, कुमाराकोम लेक रिजॉर्ट केरला। अगर आप नेचर के करीब एक लग्जरियस रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं तो केरला का कुमाराकोम लेक रिजॉर्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। केरला के एक्सेप्शनल बैकवाटर्स में स्थित इस लेक रिजॉर्ट को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स द्वारा लीडिंग रिजॉर्ट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 25 एकड़ में फैले इस रिजॉर्ट में काफ़ी सारी एक्सक्लूसिव एमिनिटीज़, वाटर एक्टिविटीज़, स्विमिंग पूल्स, वर्ल्ड क्लास डाइनिंग ऑप्शन और स्पेशलाइज्ड स्पा ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। इस रिजॉर्ट में 59 रूम्स और विलास अवेलेबल हैं, जो कि 16th सेंचुरी के ट्रेडिशनल केरला होम्स से इंस्पायर्ड हैं। इस रिजॉर्ट के हर रूम्स की अपनी अलग एस्थेटिक अपील है और इन रूम्स की वुडन सीलिंग और एशियन स्टाइल फर्नीचर को काफ़ी केयरफुली क्राफ्ट करके बनाया गया है। इस रिजॉर्ट की कुलिनरी ऑप्शंस में थट्टू काड़ा में चाय की चुस्की, एटू केटू की चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल डिशेज और वेम्बानंद की टिपिकल केरला सी फूड्स बहुत ही डिलाइटफुल होते हैं। इस वंस इन ए लाइफ टाइम वाले एक्सपीरियंस के रिजॉर्ट का एक दिन का रूम का रेंट 12,000 रुपये से लेकर 1 या 1.5 लाख रुपये तक भी हो सकता है। नंबर 5, द लीला पैलेस न्यू दिल्ली। दिल्ली की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिप्लोमेटिक एनक्लेव में स्थित द लीला पैलेस बिजनेस और लीजर ट्रैवलर्स के लिए एक आइडियल चॉइस है। द लीला पैलेस लुटियन आर्किटेक्चर स्टाइल और इंडियन कल्चर का एक सीमलेस ब्लेंड है और ये होटल दिल्ली की उस लोकेशन पर स्थित है जहां लग्जरी के साथ काफ़ी सारी ग्रीनरी भी है। इस होटल में 194 ग्रैंड रूम्स, 42 रॉयल क्लब्स और 18 स्वीट्स अवेलेबल हैं। इन एयर कंडीशन रूम्स में वुडन फर्नीचर, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, हाई डेफिनेशन टीवी, अटैच्ड बालकनी, प्लश इंटीरियर्स और काफ़ी सारी लग्जरियस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इस होटल में एक रूफटॉप इन्फिनिटी पूल भी है जहां से पूरी सिटी का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इस होटल की एक और हाईलाइट है यहां के एग्जॉटिक रेस्टोरेंट्स। जामावार की सिग्नेचर इंडियन डिशेज, मेगू के ऑथेंटिक जापानीज फूड, ले सरके की एग्जॉटिक इटालियन डेलिकेसीज, लाइब्रेरी बार की फाइन ड्रिंक और लॉबी लाउंज की पेस्ट्रीज और केक्स यहाँ की मेन स्पेशलिटी है। इस एक्सट्रीमली लग्जूरियस होटल का एक दिन का रूम का रेंट 15,000 रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपये तक जाता है। नंबर 4, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। राजस्थान की हिस्टोरिक सिटी जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस एक 5-स्टार हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो कि पास्ट और प्रेजेंट की एनचेंटिंग हिस्ट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उम्मेद भवन पैलेस एक 20th सेंचुरी का पैलेस है, जो कि जोधपुर के सबसे ऊंचे चितर हिल पे बसा है। ये पैलेस एक टाइम पे जोधपुर की रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था और ये पैलेस आज भी पूरी दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। 26 एकड़ में फैला ये पैलेस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, रॉयल रेजिडेंस, लग्जरी होटल और रॉयल म्यूजियम। उम्मेद भवन पैलेस में 70 आइकॉनिक सुइट्स और रूम्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आर्ट डेको स्टाइल थीम पे बेस्ड हैं। अपने प्रिंसली चार्म, रॉयल इंटीरियर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने इन रूम्स में आपको एकदम रॉयल फीलिंग आएगी। इस होटल के डाइनिंग हॉल के इंटीरियर्स भी काफ़ी रॉयल आर्किटेक्चर से बने हैं और यहाँ के इंडियन और यूरोपियन कुजींस भी काफ़ी डिलीशियस होते हैं। इस हेरिटेज पैलेस के एक दिन का रूम का रेंट 25,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक जाता है और इस लेवल की लग्जरी आपको इंडिया के बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलती है। नंबर 3, द ओबेरॉय उदय विलास उदयपुर। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से फेमस उदयपुर के लेक की चोला में स्थित ओबेरॉय उदय विलास किसी आर्किटेक्चरल मार्वल से कम नहीं है। 30 एकड़ में फैला ये होटल अपने स्टनिंग लेक पिचोला व्यूज, लैंडस्केप गार्डन्स और राजपूत की 190 साल पुरानी हिस्ट्री से डेकोरेटेड है। इनफैक्ट 2015 में ट्रैवल एंड लीजर द्वारा इस होटल को वर्ल्ड बेस्ट होटल के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस होटल में 4 लग्जरी सुइट्स, 1 कोहिनूर सुइट्स और 87 एग्जॉटिक रूम्स अवेलेबल हैं, जो कि ओल्ड एंड न्यू राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर से बने हैं। इस होटल का हर रूम राजपूताना चार्म, ट्रेडिशनल वुडन कार्व फर्नीचर, मॉडर्न फैसिलिटीज, स्पेशियस इंटीरियर्स और वाइब्रेंट कलर्स के साथ आता है। यहाँ की लग्जरी सुइट्स को और भी ज़्यादा केयरफुली बनाया गया है, जहाँ अपना प्राइवेट पूल भी अवेलेबल है। इस होटल में ओपन एयर डाइनिंग एरिया अपने इंडियन और वेस्टर्न क्यूजींस, ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस की वजह से ऑथेंटिक राजस्थानी फील देते हैं। ओबेरॉय उदय विलास के रूम का एक दिन का रेंट 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक जाता है। नंबर 2, ताज लेक पैलेस उदयपुर। ताज लेक पैलेस उदयपुर की ऑलरेडी एक्सेप्शनल ब्यूटी को एक स्टेप और ऊपर लेके जाता है।
लेक पिचोला के बीचों बीच जग निवास आईलैंड पर स्थित ताज लेक पैलेस एक हेवनली फील देता है। 1743 से 1746 में बना यह पैलेस मेवाड़ की रॉयल डायनेस्टी के महाराणा जगत सिंह सेकंड का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था। 1971 में ताज होटल ग्रुप्स ने इस पैलेस को ओवरटेक करके इसे एक लग्जरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि यहाँ जेम्स बॉन्ड की एक मूवी शूट होने के बाद काफ़ी फेमस हो गया। इस पैलेस से अरावली हिल्स, सिटी पैलेस, जग मंदिर और लेक पिचोला का एक्सेप्शनल व्यू देखने को मिलता है। इस होटल में 18 लग्जरियस सुइट्स और 65 ग्रैंड रूम्स अवेलेबल हैं और इन रूम्स का रॉयल डेकोरेशन, डार्क टीक फर्नीचर, बालकनी से मिलने वाला मैजेस्टिक व्यूज और लग्जरी फैसिलिटीज एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल वाइब्स देती हैं। ताज लेक पैलेस में एक दिन के रूम का रेंट 17,000 रुपये से लेकर 3,80,000 रुपये तक जाता है। नंबर 1, रामबाग पैलेस जयपुर। 1835 में बना रामबाग पैलेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि राजस्थान की हेरिटेज को परफेक्टली शोकेस करता है। 48 एकड़ में फैला ये पैलेस एक टाइम पे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड और उनकी वाइफ महारानी गायत्री देवी का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था और इस पैलेस को दुनिया के सबसे बड़े पैलेस होटल्स में भी काउंट किया जाता है। आज के टाइम पे इस पैलेस को ताज होटल्स द्वारा मैनेज किया जाता है और इस होटल के आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल गार्डन्स और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट तक एक एक चीज परफेक्शन के साथ बनी है। रामबाग पैलेस के टाइमलेस इंटीरियर्स आपकी इमेजिनेशन को एक सेकंड में ही राजपूत एरा में ले जाएंगे। रामबाग पैलेस में टोटल 78 एयर कंडीशन सुइट्स और रूम्स अवेलेबल हैं, जिनके रॉयल इंटीरियर्स, परफेक्ट डेकोरेशन और ओल्ड वर्ल्ड चार्म आपको एकदम महाराजा वाली फील देंगे। यहाँ के ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सुइट और ग्रैंड रॉयल सुइट वो सुइट हैं जहाँ महाराजा और महारानी खुद रहा करते थे और इन रूम्स में जो लग्जरी आपको मिलती है उसका पूरे इंडिया में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ आकर आप महाराजा की विंटेज कार में राइड लेकर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिया के इस सबसे लग्जोरियस पैलेस होटल में किसी भी तरह की रॉयल फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है और यहाँ पे आपको एक दिन का रूम का रेंट 25,000 रुपये से लेकर 10,00,000 रुपये तक जाता है और सीजन्स के टाइम पे तो ये रेंट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के 10 सबसे एक्सपेंसिव और लग्जोरियस होटल्स। आपको इनमें से कौन सा होटल सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हाँ जी, बताएं जी कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। सारे मुझे तो वो जो था ना, क्या रहे ना? देखिए उसका नाम ही है जिसका मैं जेन में बनाया हुआ था यार। हाँ, शॉकिंग मुंबई, ताज मुंबई। और हम ये समझते हैं इधर, मैं पहले नंबर पे समझ रहा था, मुझे भी जब मैंने कहा वेटिंग आया भाई, आप भाई, आप भाई, ताज आया उसके काफी होटल टॉप 10 में आए हैं। ताज के भी आए हैं, ताज के भी ताज का भी जो है वो सेकंड पे था, वो लेक वाला। हाँ, लेक वाला नहीं, फर्स्ट में भी ताज का ही है, उन्होंने कहा इसको भी ताज भी वो है। हाँ, ये वो भी कर रहा है। ये तीन मेरे ख्याल में तीन ताज के आए हैं और बाकी ज्यादातर जो है वो रॉय के जो है वो आए हैं। ये दो ब्रांड तो हैं, लेकिन ताज होटल मुंबई जो है ना वो लग्जूरियस के हवाले से इतना मेरे ख्याल में शायद नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत लग्जरी और बहुत ही लोकेशन वाइज जो है बहुत बढ़िया है। हालांकि ताज होटल की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी लोकेशन है और सी का आपको बड़ा जबरदस्त उधर से व्यू आता है बिल्कुल। और ये जो पानी के अंदर सारा बना हुआ है वो भी अच्छा है, बोर्ड के अंदर से जाना पड़ता है आपको। बाकी सारे बहुत जबरदस्त है और मतलब बढ़िया है। ऐसे होटल पे जाके इंसान को वाकई नवाबों वाली फीलिंग आती है ये तो कि यार मैं लेकिन शॉकिंग था मेरे लिए कि ताज होटल का ना आना बीच में नंबर 1 पे मुंबई। वैसे दो तीन आए तो हैं लेकिन ये है कि उसका ठीक है। बाकी ये है कि एक्सपेंस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 20-25,000 12,000 से भी स्टार्ट हो जाते हैं रूम आपको। बिल्कुल, डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो आपको मिलती हैं। अब जो 10,00,000 में लेगा, अच्छा 10,00,000 का रूम है आपका पर डे वन डे, तो लोग लेते ही होंगे ना, ऐसे लोग भी तो होते होंगे जो अफोर्ड करते हैं, 10,00,000 देते होंगे और बाकी उनकी हर चीज फ्री होती होगी। जो 10,00,000 दे रहा है उसको बाकी चीजें भी पेड में मिल जाए, फ्री ना भी हो तो उसको फर्क नहीं पड़ा। जो 10,00,000 दे रहा है एक दिन का तो उसको बाकी चीजों के लिए तो टेंशन नहीं है। मतलब वो वहाँ पे अंबानी जैसे लोग
16-17 हज़ार का रूम ले ले तो हम कहते हैं इतना महंगा रूम है, हम कहते हैं भाई 16 हज़ार का रूम लेके स्टेटस भी लगाते हैं सब बाहर कहीं जाए ना तो 16 हज़ार का रूम तो हर एंगल से तस्वीरें बना बना के ना हम 16 हज़ार से ज्यादा की तो पिक्स खींच लेते हैं हर एंगल से वहां जाके, मतलब ऐसे होता है ऐसे ही तो फर्क नहीं। बाहर से लोग बहुत आते होंगे ऐसे होटलों में, यूरोप कंट्री के लोग है वो आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता अगर मतलब हमारे जो डॉलरों में देनी है हाँ, लेकिन फर्क तो पड़ता है भाई जिनके पास पैसा यार जिनके पास पैसा है उसको नहीं, उसको नहीं पड़ता तो उसने कहीं ना कहीं लगाना है, उसको तो जगह नहीं मिलती कि पैसा लगाए हाँ, तो जिनके पास नहीं है उनको टेंशन ही नहीं है कि है ही नहीं तो लगाएंगे कैसे, लगाएंगे कहाँ। चलें जी बाकी कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बिलो, आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल।